हेलो दोस्तों, मैं सौरभ मलिक आप सभी का वाईफाई स्टडी स्टूडियोज में स्वागत करता हूं। दोस्तों, डीआरडीओ एमटीएस 2020 के लिए करंट अफेयर की क्लास रात के 12 बजे लाइव हो जाती है, तो आप इस क्लास का टाइम नोट कर लीजिए और डेली इस क्लास को अटेंड करना स्टार्ट कर दीजिए, ठीक है? क्योंकि इस क्लास में हम 25 करंट अफेयर के क्वेश्चन कवर करते हैं, जो कि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। और अभी हम सेप्टेम्बर मंथ की करंट अफेयर कवर कर रहे हैं और ये सेप्टेम्बर मंथ का दूसरा पार्ट है, ठीक है गाइस? और देखिए, इसकी पीडीएफ आप डाउनलोड कर सकते हैं टेलीग्राम से। टेलीग्राम पे जाके सौरभ सर जी की सर्च करिएगा, वहाँ पर आपको एक ग्रुप मिलेगा, उसको ज्वाइन कर लेना, वहाँ पे आपको सारी पीडीएफ मिल जाएगी, ठीक है गाइस? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर पहला क्वेश्चन है, प्रत्येक वर्ष सितंबर के पहले सप्ताह को किस रूप में मनाया जाता है? जल्दी से आंसर बता दीजिए। तो प्यारे दोस्तों, सितंबर के पहले सप्ताह को राष्ट्रीय पोषण सप्ताह के रूप में, यानी कि नेशनल न्यूट्रिशन वीक के रूप में मनाया जाता है। इसका सही आंसर ऑप्शन ए रहेगा। ये दोस्तों आपका 1 सितंबर से 7 सितंबर तक मनाया जाता है। इसका मोटो क्या होता है, इसका उद्देश्य क्या होता है दोस्तों? इसका उद्देश्य होता है लोगों के उनके बेहतर स्वास्थ्य के बारे में जागरूकता फैलाना, ठीक है? ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है, टेस्ट क्रिकेट में हैट्रिक लगाने वाले तीसरे भारतीय कौन बन गए हैं? तो प्यारे दोस्तों, इसका सही आंसर रहेगा बिल्कुल जसप्रीत बुमराह, इसका सही आंसर रहेगा, यानी कि ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। और देखिए, बहुत सारे स्टूडेंट रेगुलर वीडियो को देखते हैं, वीडियो को लाइक नहीं करते, शेयर नहीं करते, तो ऐसे कैसे चलेगा? वीडियो को आपको लाइक भी करना है पसंद आने पर, और शेयर भी करना है। अगर आपको किसी क्वेश्चन का आंसर पता है तो नीचे कमेंट बॉक्स में भी बताना है, ठीक है ना? तो जसप्रीत बुमराह इसका सही आंसर रहेगा। इन्होंने वेस्टइंडीज़ के खिलाफ लगातार 3 गेंदों पर 3 विकेट लिए, तो ये आपको याद रखना है, ठीक है दोस्तों? चलिए, और इनसे पहले कौन थे दोस्तों? इनसे पहले हरभजन सिंह और इरफान पठान थे, ठीक है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। राष्ट्रीय पोषण माह 2019 का विषय क्या है? अभी मैंने बताया था कि जो सितंबर की फर्स्ट वीक होती है उसको दोस्तों राष्ट्रीय पोषण माह के रूप में वीक के रूप में मनाया जाता है, ठीक है? और सितंबर महीने को राष्ट्रीय पोषण माह के रूप में भी मनाया जाता है। और इस बार की जो थीम थी, ठीक है, वो क्या थी दोस्तों? कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग, बिल्कुल सही, ठीक है? तो ऑप्शन आप बी टिक करेंगे, ठीक है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। गाइस समझ गए? आपका रिस्पॉन्स बहुत कम आता है, आंसर करते रहा करें, ठीक है? विस्फोट के कारण चर्चा में रहा स्ट्रोम्बोली ज्वालामुखी किस देश में स्थित है? दोस्तों ये इटली में स्थित है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए रहेगा। और इसे भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहते हैं, ठीक है? तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट है, किस राज्य में वॉक टू वर्क अभियान शुरू किया गया? तो दोस्तों इसका सही आंसर रहेगा वॉक टू वर्क मेघालय, ठीक है? यानी कि ऑप्शन रहेगा ए राइट आंसर। और यह अभियान फिट इंडिया मूवमेंट का एक हिस्सा है जिसे प्रधानमंत्री ने शुरू किया था। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर जाने से पहले मैं बता दूं, देखिए काफ़ी कम स्टूडेंट इस वीडियो को देखते हैं, बट फिर भी जितने भी सीरियस स्टूडेंट हैं, आप डीआरडीओ की तैयारी कर रहे होंगे या डिफेंस के किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे, या फिर आप में से किसी दूसरे एग्जाम की जैसे बैंक, एसएससी, रेलवे की भी तैयारी करने वाले स्टूडेंट हो सकते हैं, ठीक है? या फिर आपका कोई फ्रेंड, बहन, भाई, ठीक है, कोई भी तैयारी कर सकता है किसी भी एग्ज़ाम की। तो अगर आप में से कोई कंप्लीट कोर्स करना चाहता है, ठीक है, ऑफलाइन कोचिंग को छोड़ के ऑनलाइन कोचिंग आप ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि ऑफलाइन कोचिंग में आपको 2-3 टीचर का एक लिमिटेशन मिलेगी जिनसे आपको पढ़ना होगा। अगर आपकी समझ में नहीं आता है तो आप नहीं पढ़ोगे, ठीक है? या फिर आप वहाँ पर 1-2 सब्जेक्ट पढ़ेंगे, 1-2 के लिए फिर आप परेशान रहोगे। अनअकैडमी प्लस पर सबसे बेस्ट फीचर मैं बता देता हूँ, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट पूछते भी हैं कि सर अनअकैडमी प्लस को क्यों ज्वाइन कर दें, क्योंकि अनअकैडमी प्लस पर आपको 30-40 टीचर की एक टीम मिलती है, ठीक है?
उस पर उन सभी टीचर के कोर्सेज आप ज्वाइन कर सकते हैं, मतलब एक ही सब्सक्रिप्शन लेंगे उनसे आपको सभी टीचर के कोर्सेज मिल जाएंगे। अब आपको क्या होगा कि मैथ के चार पांच टीचर हैं तो आप किसी से भी पढ़ सकते हैं, एक टीचर का समझ में नहीं आएगा तो दूसरे का आएगा, ठीक है। सब कुछ एक ही जगह मिल जाता है, आपको हर चीज़ को सर्च नहीं करना पड़ता है, आपको नए नए कोर्सेज के बिल्कुल एकदम लाइनअप में मिल जाते हैं कि एक महीने का आगे का प्लान क्या है, टेस्ट सीरीज मिल जाती है, कोई डाउट आते हैं तो डायरेक्ट टीचर से पूछ सकते हैं, मतलब बहुत सारे बेनिफिट हैं जो कि मैं यहाँ पर एक दो मिनट में नहीं बता सकता हूँ। तो अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं, ठीक है, मैं आपको एक सिंपल सा प्रोसेस बताता हूँ, आपको अनअकैडमी लर्निंग ऐप अपने मोबाइल में डाउनलोड कर लेना है, ठीक है। जैसे आप उसको डाउनलोड कर लेते हैं तो उसमें अपना गोल सेलेक्ट करना है, जिस एग्ज़ाम की भी आप तैयारी करना चाहते हैं। DRDO वालों को दोस्तों CDS FCAT वाली कैटेगरी को चूज़ करना है, ध्यान से सुनिएगा, CDS और FCAT वाली कैटेगरी को चूज़ करना है DRDO वालों को। गेट सब्सक्रिप्शन पर क्लिक करना है, जितने मंथ का भी कोर्स चूज़ करोगे वो करने के बाद में कंटिन्यू पे क्लिक करना है। ध्यान रखिएगा मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए आपको कोड क्या यूज करना है, 1611। इस डिस्काउंट कोड को अप्लाई करेंगे तो आपको सबसे ज़्यादा डिस्काउंट मिलेगा। और ये डालना कहाँ पे, जहाँ पे लिखा रहेगा एंटर रेफरल कोड, ये डालते ही अप्लाई के बटन पे क्लिक कर देंगे। और जैसे आप इसको क्लिक कर देंगे तो यहाँ पे आपकी जो फीस होगी वो कम हो जाएगी, और जब वो कम हो जाए उसके बाद आपको पेमेंट कर देना है, ठीक है गाइस। ये लाइक आपकी ऑफलाइन कोचिंग जो होती है उसी की तरह होता है, आप एक बार ज्वाइन करके देखिए, 1 मंथ का ले लीजिए अगर आपको कोई डाउट है, बाकी अगर आप विश्वास करते हैं वाईफाई पर पूरे अपनी सभी फैकल्टीज़ पर, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं 3, 6 या 12 मंथ का अपने अकॉर्डिंग। और कोई भी डाउट आता है ज्वाइनिंग प्रोसेस में तो 8279711646 पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं गाइस, इस पर कॉन्टैक्ट कर लेना जो भी ज्वाइन करने वाले होंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या आ रहा है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, पी सदाशिवम के स्थान पर केरल के नए राज्यपाल कौन बने हैं। तो प्यारे दोस्तों इसका सही आंसर रहेगा, बिल्कुल आरिफ मोहम्मद खान, बिल्कुल आरिफ मोहम्मद खान इसका सही आंसर रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, महिला UEFA प्लेयर ऑफ द ईयर 2018-19 से किसे सम्मानित किया गया। तो लूसी ब्रोंज इसका सही आंसर रहेगा, ठीक है, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर रहेगा प्यारे दोस्तों। और ये इंग्लैंड की फुटबॉल खिलाड़ी है, ठीक है, ये आपको याद रखना है। अ शॉर्ट हिस्ट्री ऑफ इंडियन रेलवे नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है, तो यहां पर आपको बताना है, अ शॉर्ट हिस्ट्री ऑफ इंडियन रेलवेज नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है। तो दोस्तों इसका सही आंसर रहेगा राजेंद्र बी अलेकर, यानी कि ऑप्शन रहेगा डी राइट आंसर, ठीक है। और इसमें 1830 से लेकर अब तक भारतीय रेलवे के इतिहास का वर्णन किया गया है। नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव कौन थे जिन्होंने इस्तीफा दे दिया है। प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव कौन थे जिन्होंने इस्तीफा दे दिया है, तो प्यारे दोस्तों नरेंद्र मिश्रा इसका सही उत्तर रहेगा। नेक्स्ट है, किस राज्य में गोरेवाड़ा अंतर्राष्ट्रीय चिड़ियाघर की स्थापना की जाएगी। किस राज्य में गोरेवाड़ा अंतर्राष्ट्रीय चिड़ियाघर की स्थापना की जाएगी, तो प्यारे दोस्तों इसका सही आंसर रहेगा महाराष्ट्र, यानी कि ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। यह महाराष्ट्र के नागपुर में बनेगा, ध्यान रखिएगा। और इसी के साथ यहां पर जैव पार्क भी बनाया जाएगा, तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एसोसिएशन ऑफ वर्ल्ड इलेक्शन बॉडीज ए वेब की जो 4th महासभा होगी दोस्तों वो कहां पर आयोजित की जा रही है। तो ये आयोजित की जा रही है बेंगलोर में, तो इसका सही उत्तर रहेगा ऑप्शन सी, ठीक है दोस्तों। इस बार ए वेब जो है असेंबली का आयोजन भारतीय निर्वाचन आयोग, ठीक है, कर रहा है। इलाहाबाद बैंक और किस बैंक का आपस में विलय किया जाएगा, तो इलाहाबाद बैंक और इंडियन बैंक का एक साथ में
विलय किया जाएगा, मतलब हो गया है। इसका सही आंसर ऑप्शन सी रहेगा। और हाल ही में सरकार ने सार्वजनिक क्षेत्र की 10 बैंकों का 4 बैंकों में विलय करने की घोषणा की है। ठीक है प्यारे दोस्तों, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट है इप्सोस के ग्लोबल हैप्पीनेस सर्वे में 28 देशों में भारत कौन से स्थान पर है। तो प्यारे दोस्तों, भारत इसमें कौन से स्थान पर है? बिल्कुल, भारत है 9वें स्थान पर। इसमें बात आती है कि पहले स्थान पर कौन कौन है, तो इसमें पहले स्थान पर ऑस्ट्रेलिया और कनाडा दोनों ही हैं। और इसमें दोस्तों रूस अंतिम स्थान पर है। ध्यान रखिएगा, अंतिम स्थान पर कौन है? रूस अंतिम स्थान पर है, ऑस्ट्रेलिया और कनाडा पहले स्थान पर है। चलिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है, तेलंगाना के नए राज्यपाल कौन बने हैं? तिमली साई सुंदर राजन इसका सही आंसर रहेगा, यानी कि ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ के महानिदेशक कौन बने? तो बीएसएफ के सीमा सुरक्षा बल यानी कि बीएसएफ के महानिदेशक कौन बने? तो प्यारे दोस्तों, इसका सही आंसर रहेगा वीके जोरी, यानी कि ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। किस भारतीय स्मारक में बेबी फीडिंग रूम का शुभारंभ किया गया? किस भारतीय स्मारक में बेबी फीडिंग रूम का शुभारंभ किया गया? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। बिल्कुल, ताजमहल इसका सही आंसर रहेगा। और ऐसी सुविधा देने वाला है ताजमहल, देश का पहला स्मारक बन गया है। तो पहला वर्ड आ गया दोस्तों, काफ़ी इंपॉर्टेंट बन जाता है। नेक्स्ट है किस भारतीय टेनिस खिलाड़ी ने रोजर फेडरर के खिलाफ पहला टेस्ट जीतने में कामयाबी हासिल की है? तो सुमित नागल इसका सही आंसर रहेगा। ठीक है प्यारे दोस्तों, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। इसने अमेरिका में चल रहे यूएस ओपन में टेनिस स्टार फेडरेशन को एक सेट में 6-4 से हराया है। सरकार ने किस वर्ष तक 50 लाख हेक्टेयर से भी ज्यादा बंजर जमीन को उपजाऊ बनाने का लक्ष्य रखा है? सरकार ने किस वर्ष तक 50 लाख हेक्टेयर से ज्यादा बंजर जमीन को उपजाऊ बनाने का लक्ष्य रखा है? तो प्यारे दोस्तों, इसका सही आंसर रहेगा 2030 तक, यानी कि ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। 1 सितंबर से भारतीय सेना के उप प्रमुख का कार्यभार किसने संभाला? तो मनोज मुकुंद नरवाने इसका सही आंसर रहेगा। ठीक है, यानी कि ऑप्शन सी इसका सही उत्तर रहेगा। और इनसे पहले भारतीय सेना के उप प्रमुख देवराज अनबू थे, तो ये भी आप याद रख सकते हैं। भारत का सबसे ऊंचा स्काई साइकिलिंग ट्रैक कहां पर बनाया गया? तो इसका सही आंसर रहेगा दोस्तों मनाली में। ठीक है, तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। और यह ट्रैक दोस्तों 9000 फीट की ऊंचाई पर बनाया गया है। कितनी? 9000 फीट की ऊंचाई पर यह ट्रैक बनाया गया है। और इस ट्रैक की लंबाई दोस्तों 350 मीटर है। ये दोनों पॉइंट भी याद रखिएगा, ये भी पूछे जा सकते हैं। महाराष्ट्र के नए राज्यपाल कौन बने हैं? तो महाराष्ट्र के राज्यपाल बने हैं भगत सिंह कोश्यारी। ठीक है, तो ऑप्शन रहेगा डी राइट आंसर। इनसे पहले महाराष्ट्र के राज्यपाल सी विद्यासागर राव थे।
नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, भारत का पहला गार्बेज कैफे किस शहर में खोला जाएगा? भारत का पहला गार्बेज कैफे किस शहर में खोला जाएगा? देखिए दोस्तों, अंबिकापुर इसका सही आंसर रहेगा। अंबिकापुर छत्तीसगढ़ में है, ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। अंबिकापुर कहाँ पर है? छत्तीसगढ़ में है। और यह पहला शहर होगा जहाँ पर प्लास्टिक मुक्त बनाने की दिशा में एक कदम है। इसको प्लास्टिक मुक्त बनाने के लिए ये कदम उठाया जा रहा है। किस देश ने सेफ अंडर 15 चैंपियनशिप 2019 जीत ली है? तो यहाँ पर इसका सही आंसर दोस्तों रहेगा भारत, ठीक है। और भारत ने फाइनल में नेपाल को 7-0 से हराकर यह सीरीज जीती है, ठीक है दोस्तों। भारत ने नेपाल को फाइनल में 7-0 से हराकर यह चैंपियनशिप जीती है और भारत ने तीसरी बार यह खिताब जीता है, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट है, कलराज मिश्रा को किस राज्य का नया राज्यपाल बनाया गया है? कलराज मिश्रा को किस राज्य का नया राज्यपाल बनाया गया है? तो प्यारे दोस्तों, इसका सही आंसर रहेगा राजस्थान, ठीक है, यानी कि ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। और कलराज मिश्रा इससे पहले हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल थे, ये भी आपको नोट कर लेना है, ठीक है। तो गाइस, आज की वीडियो में ये 24 क्वेश्चन हमने कवर किए हैं। आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आ गई होगी, तो प्लीज़ इसको लाइक करना और अपने दोस्तों के साथ में तो अभी शेयर कर दीजिए। और रेगुलर वीडियोस को देखने के लिए रात के 12 बजे आप इस वीडियो को फॉलो कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। और देखिए, अगर आपको अनअकैडमी का प्लस जो कोर्स है उसको ज्वाइन करना है, देखिए ज्वाइन करने के लिए अगर आपका इंटरेस्ट है और आपको प्रोसेस नहीं पता या फिर आपको कोई भी डाउट है तो वो आप क्लियर कर सकते हैं, क्योंकि सबसे पहले आपका इंटरेस्ट होना चाहिए, ठीक है। अगर आप ज्वाइन नहीं करना चाहते हैं और आपको इसके बेनिफिट्स से नहीं पता है तो आप शायद नहीं ज्वाइन करना चाहेंगे, बट अगर आप इसके बारे में थोड़ा बहुत जान जाएंगे तो आपको पता चल जाएगा, क्योंकि लाखों बच्चे ज्वाइन करते हैं तो कुछ ना कुछ तो बात है ना, ठीक है। तो आप मेरे से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं 8279711646 पर, ठीक है। वही स्टूडेंट करिएगा कॉल या मैसेज जो ज्वाइन करना चाहते हैं। थैंक यू सो मच, वीडियो को देखने बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।